रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सबसे घातक बॉम्बर विमान से हमला करने की तैयारी कर ली है। रूस ने तुपोलेव TU-22M3 बॉम्बर के जरिए यूक्रेन पर बमबारी करने की तैयारी की है। इसके लिए तुपोलेव विमान कंपनी ने रूसी ऑपरेशन में मदद के लिए नए TU-22M3 बॉम्बर विमान रूसी एरोस्पेस फोर्स को सौंप दिया है। हालांकि यूक्रेन के खिलाफ हेलबर्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन रूस के इस कदम से कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। TU-22M3 रूसी बॉम्बर इतना घातक है कि इससे पूरी दुनिया खौफ खाती। रूस की इन तैयारियों से अटकलें लगने लगी हैं कि क्या पुतिन इस घातक बॉम्बर का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ करने वाले हैं। दरअसल TU-22M3 बॉम्बर की ऑपरेशन जांच और डिलीवरी टेस्ट और फ्लाई टेस्ट के बाद इसे रूसी एरोस्पेस फोर्सेस को सौंप दिया गया है। कितना खतरनाक है TU-22M3 बॉम्बर आपको बताते हैं। दरअसल TU-22M3 दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर में से एक है। इसे सोवियत संघ के जमाने के TU-22M से विकसित किया गया है, जो कि सुपरसोनिक स्पीड से 5100 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। परमाणु हमला करने में सक्षम इस घातक बॉम्बर विमान की अधिकतम रफ्तार 2300 किलोमीटर प्रति घंटा है। 40 मीटर लंबा और 34 मीटर चौड़ा ये बॉम्बर टर्बोजेट इंजन की मदद से उड़ान भरता है। टोपोलेव TU-22M3 बॉम्बर रडार की पकड़ से बचने के लिए काफी नीचे उड़ान भरता है। इसके अलावा इसमें हवा में ईंधन भरने के लिए एरियल रिफ्यूलिंग नॉच की सुविधा भी है, जो कि इसकी घातक मारक क्षमता रेंज को और ज्यादा बढ़ा देता है। ये विमान 23 टन तक के हथियारों के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। मेरिपोल में भी किया गया था TU-22M3 बॉम्बर से हमला। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध की शुरुआत होते ही अप्रैल में रूस पर आरोप लगाया था कि वो टुपोलेव TU-22M3 बॉम्बर के जरिए उसके मेरिपोल शहर पर बमबारी कर रहा है। यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूसी TU-22M3 की बमबारी से मेरिपोल का बड़ा हिस्सा खंडर में बदल गया था। मेरिपोल यूक्रेन की एक बड़ी पोर्ट सिटी है। ऐसे में इस शहर पर बमबारी से यूक्रेन की सप्लाई चेन पर बुरी तरह से असर पड़ा था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। यूक्रेन में क्या चल रहा है ये सब कुछ जानने के लिए आप देखते रहिए ABP Live।